थोरे थोरू भाई, आज मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं है, शाम के 6 बज गए हैं और आप लोगों से भी नहीं मिला हूँ ना मैं अभी तक, कल भी व्लॉग नहीं आया था। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पगाल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हाँ। कल का व्लॉग भी नहीं आ पाया है उसके लिए सॉरी, और आज भी मैं शाम को व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी शक्ल देख ली थी कल। क्या हुआ तेरे साथ अभी, क्या ट्रेजेडी हुई थी बता बहन, जद्दा सुनना चाहती है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है ये? मैंने मेरे लैपटॉप से स्पीकर कनेक्ट कर रखा है, मैंने गाना चला रखा था वो हसल वाला, तो वो तो चल रहा, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एड चली, पीछे से कोई जिम के शौकीन है अभी बेट मार दे बजाने लग रहा मेरे स्पीकर में। ऐसे कैसे चल सकते है यार, तू नहीं बजा? मैंने नहीं बजाया, मैं अभी आया हूँ, मैं बाहर गया हुआ था। बजाया मानू मेरी बात सुन, तो भाई मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता था। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे हेला को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से सबके पास इतना टाइम नहीं होता, हेक्टिक शेड्यूल होता है। थोर को अगर या हेला को अगर नहलाते तो मैक्सिमम तो 1 घंटा, मिनिमम 30-40 मिनट तो लगती ही लगती है। तो इस चीज के लिए हमें, मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ आप सबके आगे, पेटवेट कंपनी है और आप देख सकते हो, ये देखो ये वाइप्स हैं, ये सैनिटाइजिंग एंड ग्रूमिंग वाइप। तो गंदा हो गया हो, डर्टी हो गया हो, ये उसमें से ओडोर आ रहा हो तो फिर स्मेल आ रही हो, तो इस वाइप साफ कर दो उसे, तो ये वहां बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मैं दिखा देता हूँ, ये बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, और इसे फिर टियर करो और फिर इसे यूज कर दो। पो वाइप्स भी है, जो ये पंजे होते हैं इनके, छोटी सी हेला के जैसे छोटे से पंजे हैं। ईयर क्लीनिंग वाइप्स है, ITS स्टेन रिमूवर वाइप होती है, जैसे हेला के यहाँ पे ये देखो स्टेन है ना, तो ऐसे हाथ से साफ करने के बजाय इस वाइप से स्वाइप करो। नहलाना अगर किस पे टाइम ना हो और नहला ना पाए तो वो ये वाइप्स यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो विटामिन B5 जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन सबसे पहले एक बात ये है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, जो सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, एनिमल क्रुएल्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ये हार्मलेस केमिकल्स बने हैं, मतलब हार्मफुल कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिया में बने हुए हैं, तो ये 4-5 times चीपर मिलेंगे आपको फॉरनर जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि भाई उनमें बहुत सारी चीज आती है, टेक्स्ट बुक्स लग जाते हैं, बट ये मेड इन इंडिया है तो ये आपको 4-5 times सस्ते मिलेंगे। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज हुए हैं, वेगन प्रोडक्ट यूज हुए हैं, एसेंशियल ऑयल यूज हुए हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज हुई हैं जो सेफ है आपके डॉग्स की या आपके कैट्स की स्किन के लिए। और हाँ, ये दोनों डॉग्स और कैट्स दोनों के ऊपर हम इसे यूज कर सकते हैं। पो वाइप्स, पो आपको पता ही है पंजे इनके जो नीचे से गंदे हो जाते हैं जब ये बाहर जाते हैं, तो इस वाइप से आप उसे साफ करो, बहुत फायदे होंगे। जैसे कि इसके अंदर जोजोबा ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, जो उसके अंदर ना नरिश करके रखता है स्किन को, उनकी भी हार्ड हो जाती है ना, तो उसका भी फायदा है इसमें। अच्छा, 4 तरह की वाइप्स आती है और रीयूजेबल प्लास्टिक यूज हो गया अगर कोई इसमें सोचे तो। अगर किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेटवेट के प्रोडक्ट है, तो जल्दी जल्दी जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो और शॉप करो। मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया जगह लेके आया हूँ, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कुछ और प्यारी सी क्यूट सी चीज दिखाऊं, जो आपने थंबनेल और टाइटल पे तो देख ही लिया होगा अब तक। हाँ, मैं एक सिज़ू के पपीज देखने आया हूँ, मेरे भैया है महिंद्र को दादा भैया, जो आप लोग पहले ही जानते होंगे, उन्होंने मुझे बताया कि आजा भाई रचित, तेरे को एक सरप्राइज देता हूँ। तो वो सरप्राइज आके देखा, मैं और सिकंदर आ रहे हैं। कैसा लगा सिकंदर सरप्राइज? बहुत बढ़िया भाई। आज आपको भी दिखाते हैं, ये ये सरप्राइज है, छोटा सा सरप्राइज यार, बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे। सिज़ू के बच्चे मैंने पहली बार, मतलब एक बार तो मैंने वो मैम के पास उठाए थे छोटे से बच्चे, बट वो भी इतने छोटे नहीं थे, वो बड़े थे। और एक अब उठा रहा हूँ मैं, पहली बार देख रहा हूँ, अरे तो बहुत क्यूट है यार, देखो। और ये एक भी है छोटा सा, बिल्कुल छोटे यार, ये अभी बड़े नहीं है, मतलब ये पूछ के बताओ तुम कितने डेज के हैं, मेरे हिसाब से 30 days के होंगे, 30 days के आसपास। ये सारे छोटे छोटे भाई, ये देखते हैं, ये अभी ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और है
सारी फीमेल है ना, छोटे छोटे फीमेल बच्चे। और हाँ भाई एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दिखाइए हाँ कितने प्यारे हैं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ भाई, कई लोगों ने कमेंट करा था ना वो कि भैया आप अपने घर ले आते हो बच्चों को, उनकी फीलिंग्स नहीं है ये वो। और एक महाशय ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करा था और उसमें स्टोरी डाली प्रॉपर, और एनजीओस को भी टैग करा। सिंपल सी बात, मैंने कुछ गलत काम नहीं करा। जितने भी लोग हैं ये चैनल जब से चल रहा है सबको पता है मैं कितना बड़ा एनिमल लवर हूँ, और मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जो करना करो, हेटर्स काम करते ही ऐसा, सही बात नहीं है सिकंदर भाई? सही बात है। तो हाँ भाई मैं जो मेन पॉइंट बताना चाहता था इन बच्चों के बारे में, बच्चे तो बहुत देखे होंगे आपने, पपीज तो हैं, बट बात क्या है कि जो भैया है ना उनकी बेटी है मानू की एज की है, कौन सी क्लास है? टेंथ में है। तो ये यशु है, यंशिका हाँ। इन्होंने ही ये बच्चे बचाए भाई, ये एक महीना 18 दिन के बच्चे हैं और इन्होंने ये बच्चे बचाए हैं। चलो इनसे पूछते हैं कैसे क्या क्या प्रोसेस रहा, ठीक है, कि कैसे क्यों दिमाग में आया। चलो ओवर टू यू। पहले जब ये उनके घर पे थे तो मैं और पापा जाके उनके घर से इनको लेके आए थे। जब हम वहाँ पे गए थे तो इनके ओनर को भी नहीं पता था कि इनकी कैसी केयर करनी है, और वहाँ पे एसी वगैरह चल रहा था। ठीक है। फिर इनको शायद वगैरह उस टाइम कितने डेज के थे? तब तो हुए थे ये। अच्छा, जस्ट न्यू बोर्न बेबीज थे। ठीक है। फिर इनको शहद वगैरह खिलाया, फिर इसकी मम्मा को मैंने 1:30 बजे उठ के दूध पिलाया था। ठीक है। फिर सुबह वही प्रोसेस, इसको दूध पिलाना इनका, और जब ये थोड़े बड़े हो गए थे तो इनको शहद खिलाया था थोड़े दिन तक। फिर इनकी डाइट थोड़ी सी और कर दी थी, फिर इसको अंडा खिलाने लगे थे, फिर अंडा और रोटी। अच्छा, जब ये बच्चे हो गए थे तब कितने टाइम खाना दिया था, कितनी बार? बेबीज को या उनकी मम्मा को? दोनों भाई। मतलब कि हर एक एक दो घंटे बाद इनको दूध पिलाना। मतलब कुछ रात सोए नहीं थे? ना। सिंपल सी बात, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, साइड में वीडियो चल रही होगी, ये कैसे थोड़े पपीज को दूध पिलाने लग रहे हैं। तो मेरे को पता चला है, भैया ने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे प्रोसेस करा। तो यार ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी कि एक छोटी सी बच्ची ने छोटे बच्चों को लाइफ बचाई है। ब्लॉग्स इसके देखते हो कभी? थोर की और मानू दीदी की लड़ाई, आप रूपांजल लाए थे तब आंटी ने कहा था कि इसने भी मदद करी थी भाई, पूरी मदद करी थी इसने भी। मेरा भी शौक है, मैं भी चाहती हूँ मेरा एक पूरा गार्डन हो बड़ा, उसमें पपीज ही पपीज हो। तो बस ये हो जाएगा पूरा, शौक बनाएंगे तो हो ही जाएगा। ऊपर से तो भैया भी बहुत सपोर्टिव है, और इस चक्कर में इनके जो ये प्यारी सी पग है ना, ये हमसे नाराज भी हो गई है, और रोटी भी नीचे नहीं खाती ऊपर खाती है दादी। ये इसलिए नाराज हो गई भाई क्योंकि भैया ने इनकी केयर करी। और ये रे भैया, कैसे भैया? हाय। इन्होंने ये इसलिए नाराज होगी, जैसे थोर वाला सीन है भाई, कि इसलिए नाराज होगी कि इनकी ये नए बच्चे क्यों लिया है, मेरे को कौन देखेगा। फिर ऐसी थोर भी ऐसे करते। इसकी क्या एज है? 11 साल की है, देख लो भाई। और ये अभी भी पूरी गली की बदमाश है, ये पूरी गली की बदमाश है। कोई भी डॉग इसको कुछ नहीं कहता गली में भाई। चलो इनकी मैं आपको सिनेमैटिक शॉट देता हूँ, दिखाता हूँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा सिनेमैटिक शॉट। फिर घर जाके मिलते हैं, और इनकी एक और वीडियो आएगी बाद में जिसमें हम हेला को लेके आएंगे और देखते हैं कि हेला और ये क्या करते हैं, रिएक्शन क्या हुआ इनका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
ठीक है, बच्चे कैसे लगे जरूर बताना ये। और उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने इन छोटे प्यारे बच्चों को बचाया, तो ये बहुत अच्छी, ये ह्यूमैनिटी है, इसलिए हमें इंसान बोलते हैं। तो ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्यारे, उस बच्ची के लिए भी कुछ अच्छे शब्द लिखना, ठीक है ना। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। तो अच्छा अच्छा सपोर्ट देते रहो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करते करो। इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा, ओके बाय बाय।